शब्दार्थ एक साथ में दो श्लोक का शब्दार्थ अनुवाद हम लोग पाठ करेंगे। या जो न हमको सपत्ने हमारे शत्रुओं असुरों से भृशम प्राय अर्धमानन पीड़ित देवताओं के बीच ऋषि साधु पुरुष तीर्यक पशु नृषु तथा मनुष्य नित्य सदैव एव अवश्य कृत अवतार अवतार रूप में प्रकट होते हैं तनु भी विभिन्न रूपों में स मा अया अपने अंतरंग शक्ति से कृत्या आत्मसात अपने को उनका अत्यंत प्रिय मानकर पाती रक्षा करता है युगे युगे प्रत्येक कल्प युग में च तथा तम उसको एव निस्संदेह देवम परमेश्वर वयम हम सभी आत्मदैवतम समस्त जीवात्माओं के स्वामी परम दिव्य प्रधानम संपूर्ण भौतिक शक्ति के मूल कारण पुरुषम परम भोक्ता विषम जिसकी शक्ति से वह ब्रह्मांड बना अन्यम पृथक स्थित ब्रजम हम चले सर्वे सभी शरणम शरण शरण्यम शरण शरण के उपयुक्त स्वानम अपने भक्तों को स्वह वह न हमको धास्वति प्रदान करेगा स्वाम कल्याण महात्मा परमात्मा। श्रील प्रभुपाद देगा अनुवाद तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अचिंत अंतरंगा शक्ति से अनेक दिव्य शरीरों में विस्तार करते हैं तथा यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामन देव ऋषियों के अवतार परशुराम पशुओं के अवतार नरसिंहदेव एवं वराह और जलचरों के अवतार मत्स्य तथा कूर्म वे सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य देह धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच विशेष रूप से भगवान कृष्ण तथा राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी अहेतु की कृपा से वे असुरों द्वारा सदा सताते गए देवताओं की रक्षा करते हैं। वे समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह है, वे परम कारण है और स्त्री तथा पुरुष की सृजन शक्तियों के रूप में प्रकट होती हैं। यद्यपि वह इस ब्रह्मांड से पृथक है वे विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः अपने इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर है, ठीक है। हम लोग एक बार अनुवाद बोले। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अचिंत अंतरंगा शक्ति से अनेक दिव्य शरीर में विस्तार करते हैं। यथा देवताओं की शक्ति के अवतार वामन देव
ऋषियों के अवतार परशुराम, पशुओं के अवतार नरसिंहदेव एवं वराह और जलचरों के अवतार मत्स्य तथा कूर्म, वो ये सभी प्रकार की जीवात्माओं के बीच विभिन्न दिव्य देह धारण करते हैं और मनुष्यों के बीच विशेष रूप से भगवान कृष्ण तथा राम के रूप में प्रकट होते हैं। अपनी अहेतु की कृपा से वे असुरों द्वारा सदा सताते गए देवताओं की रक्षा करते हैं। वो ये समस्त जीवात्माओं के पूज्य श्री विग्रह है, और ये परम कारण है और स्त्री तथा पुरुष की सृजन शक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि वो ये इस ब्रह्मांड से पृथक है, वो ये विराट रूप में विद्यमान रहते हैं। अतः अपने इस भयभीत अवस्था में हमें चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि परमात्मा हमें अपना संरक्षण प्रदान करेंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में श्री भगवान विष्णु को सृष्टि का आदि कारण माना गया है। श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य भावार्थ दीपिका में इसका उत्तर दिया गया है कि प्रकृति तथा पुरुष इस दृश्य जगत के कारण है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, परम प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम, ये परम कारण है और स्त्री तथा पुरुष की सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। वे इस ब्रह्मांड से पृथक रहकर अपने विराट रूप में विद्यमान है। यहाँ पर प्रकृति शब्द से परमेश्वर की भौतिक शक्ति तथा पुरुष शब्द से भगवान की श्रेष्ठ शक्ति अर्थात जीव सूचित होती है। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, प्रकृतिं जानति मामेकम्। अंततः प्रकृति तथा पुरुष परमेश्वर में प्रवेश करते हैं। यद्यपि ऊपर से प्रकृति तथा पुरुष ही भौतिक जगत के कारण पतित होते हैं, क्योंकि वे दोनों परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के प्रकाश पूज्य है। अतः परमेश्वर इन दोनों के कारण है, वे ही आदि कारण सर्वकारण कारणम है। नारदीय पुराण का कथन है कि अभिकारो अपि परमो प्रकृतिस्तु विकारिणी अनुप्रविश्य गोविंद प्रकृतिश्चाभि धीयते। प्रकृति तथा पुरुष दोनों भगवान से उद्भूत निम्न तथा श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं। जैसा भगवद गीता में कहा गया है, गाम अविश्व, भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं तभी प्रकृति विभिन्न जगतों की सृष्टि करती है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, न ही उनकी शक्तियों के परे। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सभी वस्तुओं के मूल कारण है। इसलिए भगवान ने भागवत गीता में कहा गया, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं प्रकृति जगत और वैकुंठ दोनों का कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इस प्रकार बुद्धिमान भक्तजन जो इस तत्व को भली भांति समझते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से मेरा निरंतर भजन करते हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, अहमेवाग्र विवाग्रे सृष्टि के पूर्ण में ही उपस्थित था। ब्रह्मांड पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, स्मृतिरस्य मधानेन प्रकृतिस्तमिति स्थिति उभयात्मक श्रुति
দা বসুদেব পরম প্রমাণ প্রকৃতি পুরুষশ্চেতি শব্দেরেকো অভিধীয়তে। ইস ব্রহ্মাণ্ড কি উৎপত্তি কে লিয়ে ভগবান পরোক্ষমে পুরুষ আর প্রত্যক্ষ রূপে প্রকৃতি কি ভূমিকা নিভাতে হ্যাঁ, কিউকি দোনো হি শক্তিয়া সর্বব্যাপী ভগবান বাসুদেব সে হি উদ্ভূত হ্যাঁ, ইসলিয়ে ওই প্রকৃতি তথা পুরুষ দোনো কহলাতে হ্যাঁ। ইহাঁ এই কারণ হ্যায় কি বাসুদেব প্রত্যেক বস্তুকে কারণ হ্যায় সর্বকারণ কারণম। ইহাঁ পে শিল প্রভুপাদ দ্বারা দিয়ে গিয়ে তাৎপর্য সমাপ্ত হ্যায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ও সুন্দর হে গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম, আজকে আর বিশেষ ভাগবত হ্যায়, পরম ভাগবত কা আবির্ভাব তিথি হ্যায়, ইসলিয়ে হামলোগ ইহাঁ পে আজ ভাগবত কা বিরাম দিতে দেঙ্গে, আর উসকে বাদ আমরা যো আজ পরম ভাগবত শ্রী শ্রীমদ জয়ং বিষ্ণুবাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শ্রী শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শিল প্রভুপাদজি কা শুভ আয়ুর্ভাব দিতে মহামহোৎসব হ্যাঁ, ইস উপলক্ষ্য মে হামলোগ পরম ভাগবত কে বারে মে কুছ চর্চা করেঙ্গে। আর পরম ভাগবত কা আবির্ভাব তিথি মে হামলোগ সবই ভক্ত ইসমে ভাগ লেঙ্গে, সবই ভাগ লেনে কে লিয়ে তৈরি রহে হামলোগ শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কে বারে মে কুছ না কুছ হামলোগ উনকা গুণগান কর সকে। আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যো মূল শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উনোনে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু উনকা বাণী উনকা মহিমা ভগবান কা মহিমা প্রচার করনে কে লিয়ে সারা দুনিয়া মে কেসে প্রচার হোগা, ইসলিয়ে ভগবান ই সব কুছ অ্যারেঞ্জ করতে হ্যাঁ, ভগবান সব কুছ অ্যারেঞ্জ করতে হুয়ে এ সব কুছ ঘটনা ঘটতে হ্যাঁ। সচ্চিদানন্দ শিল ভক্তিবেদন ঠাকুর মহাশয় শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু কা মহিমা জিসময় শ্রবণ কিয়া, শ্রবণ করনে কে পশ্চাৎ উনোনে মহাপ্রভু কা বাণী প্রচার করনে কে লিয়ে বহুত কুছ প্রয়াস কিয়া, প্রয়াস করনে কে পশ্চাৎ এ যো উনকা এ যো ধারা অর্থাৎ বৈষ্ণব সমাজ মে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নে সোচা আমি জানে কে বাদ এ যো মহিমা ইসকো আগে বাড়নে কে লিয়ে ইসকা এক উত্তরাধিকারী হোনা চাই, ইসলিয়ে শিল ভক্তিবন্ধ ঠাকুর মহাশয় জিসময় পুরী মে অবস্থান করতে থে জগন্নাথজি কে পাশ এই প্রার্থনা করতে থে এ ভগবান কা মহিমা আমরা আগে বাড়নে কে লিয়ে কই এক উত্তরাধিকারী কিছুকে আপ ভেজ দিয়ে, নেই তো ভগবান কা মহিমা এ দুনিয়া মে কেসে প্রচার হোগা। ভগবান কা শুদ্ধ ভক্ত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিবিন্দ ঠাকুর মহাশয় কা ইয়ে যে বচন জগন্নাথ যে শ্রবণ কিয়া শোনা সন্ন্যকে পশ্চাৎ 1874 খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ 1820 বঙ্গাব্দে 25 মাঘ অর্থাৎ 6 ফেব্রুয়ারি মাঘী কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথি অপরাহ্ন 3 বাজে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সঠাকুরকে ইস জগৎমে ভেজা শিল জগন্নাথ জগন্নাথ কা কৃপা সে। জগন্নাথজি আজকা দিন মে 874 খ্রিস্টাব্দে
এ হচ্ছে কৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমী তিথি দুপুর 3 বাজে শিল ভক্তি সন্ত সহজ ঠাকুর আজকের দিন মে পুরী ধাম মে আবির্ভূত হইয়ে জগন্নাথকে কৃপা আসে। উহা পে শিল ভক্তিবেন ঠাকুর মহাশয় উহা পে অবস্থান করতে থে জগন্নাথ মন্দির কে পাশ মে বাজু মে ভক্তি সিদ্ধান্ত ভক্তিবেন ঠাকুর মহাশয় কে ভজন কুটি থা উহা পে হমেশা রাতে থে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত ভক্তিবেন ঠাকুর জানতে থে যে হামারা এ ভৌতিক সংসার মে কেসে কৃষ্ণ ভক্তি হর ব্যক্তি কে বাস হর ব্যক্তি কো মিল সকতে হ্যাঁ কেসে মিলেঙ্গে কেসে প্রাপ্ত করেঙ্গে ইসলিয়ে ভগবান কে পাশ প্রার্থনা কিয়া আর উনকা প্রার্থনা সে উনকা কৃপা সে জগন্নাথ জী কা কৃপা সে আমরা বীজ মে আজকা দিন মে জিসকো সিংহ গুরু কহা যাতে হ্যাঁ শ্রী শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সহজ ঠাকুর নে হামারা তো বৌদ্ধ জীব কো কৃপা করনে কে লিয়ে আজকা দিন মে পুরে ধাম মে আবির্ভূত হয়ে থে। জিস সময় শিশু আবির্ভূত হুয়া হামলোগ কভি নেই দেখা যে জিস সময় ভক্তি সিদ্ধান্ত সহজ ঠাকুর আবির্ভূত হুয়া আবির্ভূত হোনে কে সময় উনকা গলে মে এক বৈষ্ণব কে ব্রাহ্মণ কে জেনুই লেখি আবির্ভূত হুয়া শাস্ত্র বর্ণন হ্যাঁ কেসে সম্ভব হো সকতে হ্যাঁ এ জগন্নাথ জী কা বিশেষ কৃপা হ্যাঁ জন্মসূত্র হি গলমি যজ্ঞ পবিত লেখি বহু চকিত বাত হ্যাঁ আশ্চর্য কি বাত হ্যাঁ ইস প্রকার শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর আবির্ভূত হুয়া আর শিল ভক্তি ঠাকুর মহাশয় এ জগন্নাথ দেবকা জগন্নাথ দেবকা এ পরম কৃপা হিসিয়ে উনকো নাম রাখা গিয়া যদ্যপি জগন্নাথ দেবকা পরাশক্তি এ বিমলা দেবিকা অনুসার মে এ আবির্ভূত হুয়ে হ্যাঁ ইসলিয়ে উনকা নাম রাখা গিয়া বিমলা প্রসাদ উনকা নাম রেখা গিয়া উহা পে আমলোক দেখতে হ্যাঁ শিশুকাল মে বচপন মে উহা পে কুছ দিন রাহা ছয় মাস তক আর উসি সাল ছ মহিনা বাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত কে আবির্ভূত হোনে কে 6 মহিনা বাদ রথযাত্রা মহোৎসব হুয়া রথযাত্রা জগন্নাথজি উহা পর আকে জগন্নাথজি উহা পে 3 দিন রোগ গিয়া হে জেসে আভি তক এ রেকর্ড তোড় নেই পায়া 3 দিন উহা পে জগন্নাথজি আকে রোগ গিয়া 3 দিন তক গিয়া নেই এ রেকর্ড আভি তক টোটা ভি নেই 3 দিন তো রুখা ভি নেই আভি তক জগন্নাথজি কবি কবি রুখা জগন্নাথজি উহা পে 1 দিন রোগ গিয়া 3 দিন তো কবি তক রুখে নেই তো ভক্তিবিন্দ ঠাকুর মহাশয় যে সময় 3 দিন রুখিয়া উহা পে শিল ভক্তিবিন্দ ঠাকুর মহাশয় উহা পে জগন্নাথজি কে সেবা পূজা উহা সেই চালু কর দিয়া আর যে সময় ভক্তিবিন্দ ঠাকুর কা পত্নী অর্থাৎ মাতা ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর কা মাতা উনকো গোদ মে লেকে জগন্নাথজি ইহাঁ পে খড়া হুয়া গেট পর খড়া হ্যায় তো ছোটা বালক হ্যায় 6 মহিনা কা শিশু হ্যায় 6 মহিনা শিশু কে গোদ মে লেকে উহাঁ পে গিয়া জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব মঞ্জলিত বিশাখা দেবী কি কৃষ্ণ বলরাম জি ভগবান কি জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানী কি শ্রী শ্রী গৌনিতায় কি পল্লা নৃসিংহ ভগবান কি জগন্নাথজি ইহাঁ পে আবি সুন রা হ্যায় উনকা লীলা হ্যায় ওই এই সব ইস তর লীলা বিলাস কিয়া হ্যায় জগন্নাথজি উহাঁ পে আকে রোগ গিয়া 6 মহিনা আর 6 মহিনা কা শিশু
भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर को गोद में लेके उनको वहाँ पे आगे खड़ा हुआ, और जगन्नाथ जी के गले से एक माला निकल गया, निकल के भक्ति सिद्धार्थ को गले में पहना दिया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि पहले से ही श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर पर भगवान का अहेतु की कृपा है। इसी प्रकार वहां पे जगन्नाथ मंदिर के वहां से ही 6 महीने में श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर का मुख अन्नप्राशन वहां पे ही हुआ। जगन्नाथ जी का प्रसाद से श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर का अन्नप्राशन हुआ वहां पे। ऐसे 10 विध संस्कार है, उससे एक संस्कार अन्नप्राशन संस्कार वहां पे ही हुआ 6 महीना में। दस मास तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति ठाकुर महाशय पूरी धाम में रहा। 10 महीना के बाद 11 महीना में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेके साथ में लेके भक्ति ठाकुर महाशय वहां से आ गया बंगाल में। आ गया बंगाल में एक जगह है रानाघाट बोल में, एक जगह है कृष्णनगर रानाघाट, वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर महाशय उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वहाँ पे ट्रांसफर होके आ गया बंगाल में रानाघाट में। तो वहाँ पे आके बसति स्थापन किया। वहाँ पे आपके श्रील भक्ति ठाकुर महाशय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इसलिए वहाँ पे एक तालाब खनन करते थे, खनन करने के लिए जा रहे थे। उसी समय मिट्टी के नीचे से एक नृसिंह भगवान को मिला। तब नृसिंह भगवान का क्या करेंगे, उसी समय भक्तिवेद ठाकुर महाशय वो उसी समय वो छोटा बालक उसे 5 साल हो गया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर उम्र उसी समय कुछ दिन रहने के बाद वहाँ पे 5 साल हो गया। 5 साल का 11 महीना में यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ साल रहा। रहने के बाद वहाँ पे जिम्मेदारी बढ़ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ पे बहुत तालाब खनन करने लगा, बहुत बड़ा बड़ा मकान बनाने लगा। बनने के बाद वहाँ से एक निरसंग शिला उठा। उसी समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उम्र होगा लगभग 8-9 साल हो गया, बड़ा हो गया। तो उसी समय उनको ये नृसिंह शिला सेवा करने के लिए उनको नृसिंह मंत्र और हरिनाम मंत्र उनको दिलाया भक्तिवेद ठाकुर महाशय ने। असल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय बचपन में क्या करते थे, कोई किताब पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए उनका आग्रह नहीं था। स्कूल में जितना समय रहते थे उसी समय पाठ्य पुस्तक का था साथ रहता था। घर में जिसमें आते थे पाठ्य पुस्तक को बंद करके एक साइड में रख देते थे। हमेशा के लिए भगवान का ये शास्त्र ग्रंथ पढ़ने के लिए रुचि पहले से ही थे उनका। हमेशा ही घर में आके शास्त्र ग्रंथ पढ़ाई करते थे। वो पाठ्य पुस्तक का पढ़ाई उसी में बंद कर दिया था, ये जरूरत नहीं है, ये पढ़ेंगे तो हमें भगवान के बारे में नहीं जानकारी पाएंगे, भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कूर्मदेव का सेवा पूजा का अर्चन विधि सब कुछ वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर से उनको सिखा दिया। उसी समय से भगवान को सेवा पूजा में पूर्ण रूप से लग गया। और बचपन से वो क्या करते थे, ज्योतिष शास्त्र में पारदर्शी होने के लिए ज्योतिष विद्या विद्या पंडित के पास हमेशा के लिए उसके पास रहते थे, हमेशा के लिए बचपन से। जिस समय 5वीं श्रेणी के साथ छात्र थे श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर 5वीं क्लास में पढ़ते थे, उसी समय एक ज्योतिष शास्त्र वहाँ पे
एक जैसे वहाँ पे एक शिव जी है ना, तारकेश्वर में शिव जी होते ना, तारकेश्वर का शिव जी का नाम क्या है? तारकेश्वर शिव। तो वो तारकेश्वर शिव जी वहाँ पे एक बहुत बड़ा गणित शास्त्र अर्थात मैथमेटिक्स प्रिंसिपल और एक एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ से वो ज्योतिष विद्या चर्चा करते थे हमेशा। स्कूल से आने के बाद हमेशा के लिए उनका सजा के ज्योतिष विद्या में बहुत बड़ा पारदर्शी हो गया बचपन में। इस तरह पाँच वर्षों का पंचम वर्ष में जो पाँच सौ कलम से पढ़ते थे और उसका जो ये ज्योतिर्विद्या में जो पारदर्शी है, ये ज्योतिर्विद्या में पारदर्शी को देख के उसको अभिज्ञता देखते हुए सारे बड़ा बड़ा महात्मा सारे बड़े गुरुवर्ग सब जो है उनका नाम दिया एक बहुत बड़ा सिद्धांत सरस्वती। सिद्धांत सरस्वती नाम भी उनको भूषित कर दिया बचपन में ही। कितना प्रतिभा था उनका, कितना उनका तेज दिमाग था, सबको सब ज्योतिर्विद्या के पारदर्शी कर ले पारंगत हो गया। तब उसी समय सब महाभागवत गुरुवर्ग उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम में उनको उपाधि में भूषित किया। और जिस समय 1918 साल में त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया उसी समय उनका नाम परिव्राजक आचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम में उनको भूषित किया गया 1918 साल में। इस प्रकार उन्होंने इतना सुंदर प्रतिभा अर्जन किया। जिस समय एक बार 885 ख्रीष्टाब्दे अर्थात 399 चैतन्यब्द जैसे गौराब्द बोलते हैं, अभी कौन सा कितना गौराब्द है 511 गौराब्द अभी चल रहे 511 गौराब्द और उसी समय 399 गौराब्द। उसी समय एक विश्व वैष्णव सभा आयोजन हुआ था, विश्व वैष्णव सभा। ठाकुर उसी समय विश्व वैष्णव सभा उसी समय एक आयोजन किया इंग्रेजी 1886 ख्रीस्टाब्दी चैतन्य महापुर 400 वस्त्र उपलक्ष्य 400 वस्त्र पूर्ति उपलक्ष्य विश्व वैष्णव सभा उस समय एक आयोजन किया। जैसे 511 वर्ष चल रहे गौराब्द चल रहे अभी वहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस विश्व वैष्णव सभा में भी शामिल हुआ था। और बचपन से ही श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने असत संग त्याग वैष्णव आचार इसको बहुत दृढ़ता रूप में इसको स्वीकार करके ये जीवन बिताते थे। छात्र जीवन में भी छात्र जीवन में रहने के वजह से क्या होता है, स्कूल में जिसमें जाते हैं औसत संघ में पढ़ जाते हैं, परंतु जिसमें स्कूल में जाते थे वही समय तक बस स्कूल से आने के बाद किसके साथ संग करते थे, साधु महात्मा के साथ संग करते थे, हमेशा के लिए शास्त्र ग्रंथ पढ़ाई करते थे। और जड़ा विद्या में हमेशा के लिए अरुचि रखते थे, जड़ा विद्या में रुचि नहीं रखते थे। विद्यालय में जाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, लाइब्रेरी जाके हमेशा के लिए जितना सारे धर्म ग्रंथ रहते थे मुख्य मुख्य धर्म ग्रंथ पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में जाके, कभी भी दूसरा कुछ शास्त्र ग्रंथ पढ़ते नहीं। और जिस समय द्वितीय प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में पढ़ते थे वन टू में जिस समय पढ़ते थे उसी समय उन्होंने हमेशा के लिए ज्योतिष शास्त्र धर्मशास्त्र पढ़ते थे। शास्त्र ग्रंथ
स्कूल में रहते थे, घर में आके हरे कृष्ण हमेशा के लिए। क्यों? और हमेशा के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का जो ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका और जो शास्त्र ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर रचना करते थे किए थे, वो सब शास्त्र ग्रंथ घर में आके पढ़ाई करते थे। एक बार वैष्णव असेंबली, वैष्णव समावेश हुआ वहाँ पे कोलकाता में, वहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाशय वहाँ पे जाके वो बचपन से ही ये कॉम्पिटिशन अर्थात धर्म विज्ञान से कॉम्पिटिशन में अंशग्रहण करते थे बचपन से ही। इतना सुंदर अगस्त मास में वो सम्मेलन हुआ था, इसलिए वो सम्मेलन का नाम ही हो गया था अगस्त असेंबली कोलकाता में, अगस्त असेंबली। श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर 1892 साले संस्कृत कॉलेज में गया, संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लिया 1892 साल में, संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के जो अतिरिक्त समय कॉलेज में पढ़ाई से होता था, पढ़ाई में क्लासरूम में जो क्लास पढ़ाई होता था उसका बाद जो टाइम मिलता था लाइब्रेरी में जाके धर्मग्रंथ पढ़ाई करते थे। और वो कॉलेज में जितना सारे प्रिंसिपल थे, जो ज्योतिष शास्त्रविद इस तरह जो एस्ट्रोलॉजी जितना सारे था उनका साथ, जैसे जो सिद्धांत कौमुदी में जो अध्ययन करते थे, जो चतुष्पाठी टीचर प्रिंसिपल थे उनका साथ उनका ज़्यादा गहरा संपर्क था। जिसमें क्लास नहीं था उनके पास जाके ये सब चर्चा करते थे, सिद्धांत कौमुदी और सारे वैदिक शास्त्रों के बारे में चर्चा करते थे उन्होंने। और कभी भी अध्यापक के साथ इस तरह मतविरोध होता था, मतविरोध में जिसमें लगता था भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर उनका युक्ति द्वारा, शास्त्र युक्ति द्वारा उनको खंडन करते थे। वो जो प्रवेश सर है वो हमेशा के लिए उस सिद्धांत में नहीं पढ़ते थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमेशा के लिए वो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तो सिद्धांत ही है खड़ा करते थे। इसी प्रकार इंग्रेजी 1897 साले कोलकाता भक्ति भवन में जिसमें एक सारस्वत चतुष्पाठी स्थापन किया, और वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा आदमी जैसे हमारा नाम सुने हैं लाला हरगौरी शंकर, डॉक्टर एकेंद्रनाथ घोष, एम बी सातकुड़ी चट्टोपाध्याय, सिद्धांत भूषण, नित्यानंद वंश श्यामलाल गोस्वामी, इस तरह बहुत बड़ा बड़ा डिग्रीधारी वहाँ पे रहते थे, जाते थे उस चतुष्पाठी पार्टी में। और वहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर वहाँ पे जाके सब कुछ पढ़ाई करते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर जड़ विद्या में उनका आसक्ति नहीं था। क्यों? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जैसे पहले विद्या विलास दिग्विजय लीला प्रदर्शन किए हैं, परे हरिनाम संकीर्तन प्रचार में आदर्श प्रकाश किया था, परे पहले विद्या विलास उसके बाद दिग्विजय प्रदर्शन किया, उसके बाद हरिनाम संकीर्तन प्रचार में आदर्श प्रकाश किया है कि ना। इसी प्रकार सरस्वती ठाकुर के चरित्र में हम लोग देखते हैं उनका जीवनी, जो डेली डायरी में लिखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर, जो मैं यदि ये विश्वविद्यालय का पाठ में मनोसंजन करेंगे तब क्या होगा, पाठ शिक्षा करने के लिए मेरा कोई असुविधा नहीं है, समस्या नहीं, परंतु क्या होगा,
उसमें हमें संसार में प्रवेश करने के लिए मेरा प्रति जत पीड़न अस्ति पीड़न हो भी। मैं यदि बहुत बड़ा डिग्रीधारी होंगे तो मुझे संसार जीवन में प्रवेश करने के लिए सारे भक्त लोग मुझे प्रसार करेंगे, इतना बड़ा पढ़िया है, इतना बड़ा डिग्रीधारी है, करना चाहिए। मैं यदि ये शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे हमें आदमी क्या सोचेंगे, ये अकर्मण्य है, मूर्ख है, उसको कुछ भी नहीं बोलना, वो जो कुछ करना चाहता करने दो। ये सोचते भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर जोड़ा विद्या में मन नहीं लगाया। उनका डायरी में इस तरह लिखते हैं, इसलिए क्या करेंगे, यदि इतना बड़ा डिग्रीधारी होंगे संसार जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे बहुत अधिक क्या करेंगे, जबरदस्त पकड़ के लेके जाएंगे, तुमको इतना बड़ा पढ़ाई किया किस लिए। जो पढ़ाई नहीं करते ठीक है बेकार, वो तो पढ़ाई नहीं किया, नौकरी भी नहीं मिलेगा, उनको पैसे भी नहीं कमा पाएगा, मंदिर में रहे तो अच्छा जाने दो। भक्ति सिद्धांत सर का सोच विचार कितना सुंदर था देखो। ये विचार करते हुए भक्ति सिद्धांत सर को बोला, मैं संस्कृत कॉलेज में संस्कृत कॉलेज कभी परित्याग कर दिया था, ये सोचते हुए मैं वो कॉलेज को भी मैं परित्याग कर दिया था, और हरि सेवा मैं जीवन रक्षा कल्प में मैं ये हरि सेवा को भगवान की सेवा करने के लिए ये कैसे ये शिक्षा अर्जन किया जाए, ये शिक्षा प्रदान करने के लिए मैं उत्साह प्रदान किया। कितना ऊंचा विचार था। इस तरह श्रीमत भक्ति सिद्धांत सरगुरु महाशय भक्ति विनोद उनके पिताजी के साथ जिस समय भक्ति विनोद ठाकुर महाशय तीर्थ दर्शन में जाते थे, उसी समय लगभग 898 साल में अक्टूबर महीने में भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जिस समय तीर्थ यात्रा में बाहर गया, काशी वाराणसी प्रयाग इस समस्त गया, उनका साथ श्री भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने तीर्थ दर्शन भ्रमण करने के लिए गया। जाने के बाद लगभग 897 साल भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जैसे नवद्वीप में एक गोद्रुमद्वीप में जो सरस्वती नदी है, जो जलंगी बोलते हैं, आज भी जलंगी नदी है, वहाँ पे एक आनंद सुखद कुंज एक भजन कोटी वहाँ पे स्थापन किया भक्ति विनोद ठाकुर महाशय। वहाँ पे रह के जीवन बिताने लगा। वहाँ पे उसी समय श्री श्रीमद हमारा गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री श्रीमद गौरकृष्ण दास जी महाराज वहाँ पे गया, और वहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाशय शिला गौरकृष्ण दास महाराज जी के साथ दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का अनुमति क्रमे उनको दीक्षा गुरु रूम में स्वीकार किया। 1900 बंगाब्दे माघ मासे शिल गौरकृष्ण दास महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सह ठाकुर का दीक्षा प्रदान किया 1900 ख्रीस्ताब्दी। दीक्षा लेने के पश्चात शिल भक्ति सिद्धांत सह ठाकुर महाशय ये प्रचार कार्य को उसके बाद बहुत कुछ है, जे वंशीदास बाबा जी के साथ उनका सब मुलाकात हुआ, वंशीदास बाबा जी के साथ उनका बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका साथ शास्त्र चर्चा किया, और प्रचार करने के लिए पूरी धाम में प्रचार करने के लिए बहुत गौड़े मठ स्थापन किए वहाँ पे, और ज्योतिष शास्त्र दिग्विजय शिल भक्ति सिद्धांत सह ठाकुर ज्योतिष शास्त्र दिग्विजय उपाधि वो ग्रहण किया, इतना ज्योतिष शास्त्र में पारदर्शी थे। इस प्रकार देखते देखते हम लोग एक बार और एक घटना है, जैसे भ्रमण तीर्थ भ्रमण करते करते सारे भारतवर्ष उन्हें तीर्थ भ्रमण किया, तीर्थ भ्रमण करने के बाद उन्होंने भगवान का महिमा प्रचार करने के लिए मन में संकल्प किया, मैं श्रीमन चैतन्य प्रभु का मारे
सारा विश्व में प्रचार करेंगे। करने के लिए शतकोटि नाम यज्ञ करने लगा नवद्वीप में। शतकोटि नाम यज्ञ किया, शतकोटि नाम यज्ञ समाप्त करने के बाद उन्हें प्रचार कार्य शुरू किया। प्रचार कार्य शुरू करने के पश्चात क्या किया, सारे भारतवर्ष में 64 गौड़ीय मठ स्थापन किया। गौड़ीय मठ स्थापन किया। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं जिसमें 1911 साल में वैष्णव जगत में जिसमें एक बहुत दुर्दिन आया वैष्णव जगत में, तथागत तो स्मार्त संप्रदाय शुद्ध वैष्णव संप्रदाय ये दोनों के बीच में एक बहुत संघर्ष आया। उसके लिए उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर महाशय उम्र बहुत ज़्यादा हो गया। उसी समय वो सभा वैष्णव समाज में जाके वैष्णव सभा में जाके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको समाधान किया, बहुत सरल रूप से समाधान किया उनको। वो हुआ था कहाँ पे, वहाँ था वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर जिला में बालीघाई बोल के एक जगह है, अर्थात उड़ीसा बॉर्डर के साइड, उड़ीसा बंगाल का बॉर्डर साइड में बालीघाई बोल एक जगह है, बालीघाई एक नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे एक वैष्णव सम्मेलन हुआ था। और स्मार्त ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव, स्मार्त और शुद्ध ब्राह्मण के बीच में संघर्ष हुआ वैष्णव समाज में। उस वैष्णव सभा में जाके सबको, स्मार्त ब्राह्मण को भी बहुत अच्छे से समझाया, वो भी समझ गया और शुद्ध वैष्णव समाज को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। शुद्ध वैष्णव समाज ही होता है सबसे बड़ा। स्मार्त को वहाँ पे समझाया जी नहीं, वैष्णव समाज शुद्ध वैष्णव समाज होता है सबसे बड़ा है, उनको बात सुनना चाहिए। कोई नाराज नहीं हुआ, सबको संतुष्ट किया, इतना सुंदर थे। इसी प्रकार देखते हैं ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय इतना एक सिंह गुरु के सदृश थे। तब जिस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार बहुत सन्यास के प्रचार कार्य किया, प्रचार कार्य करने के पश्चात उनका जिसमें अंतिम समय थे, अंतिम समय में सारे भक्त लोगों को बुलाया, बुला के कुछ उनका और बहुत कुछ किया, जो बहुत कुछ वर्णन करके किया शास्त्र में। उन्होंने त्रिदंडी सन्यास, जो त्रिदंडी सन्यास ये भी पहले स्थापन किया, एस्टेब्लिश किया। त्रिदंडी सन्यास जो है उसका पहले एक दंडी था, इसके बाद नवद्वीप धाम परिक्रमा फिर से शुरू किया, पूर्ववंगे प्रचार, पूर्ववंगे मठ स्थापन किया। पुरी में जे अभी तो क्या पुरुषोत्तम मठ है वो प्रजम, और गौड़िया मठ ब्रजमंडल में मठ स्थापन किया। चैतन्य मठ में, चैतन्य मठ में श्री मंदिर स्थापन किया। और एक स्थिति ने प्रचार किया, 1924 साल में फेब्रुवरी 24 फेब्रुवरी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव 50वां पूर्ति उपलक्ष्य में कोलकाता गौड़े मठ में तेरे व्यास पूजा का प्रथम पहली बार प्रवर्तन किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। व्यास पूजा, व्यास पूजन हम लोग जो व्यास पूजा मनाते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहली बार व्यास पूजा आयोजन किया, स्थापन किया। इसी प्रकार देखते हैं जो बहुत सुंदर रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर हम लोगों को इतना सुंदर सुरक्षित करने के लिए कितना कुछ व्यवस्थित रूप से करके गया। तो आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है, हम लोग सब उनके चरण में प्रार्थना करते हैं, जिससे हम लोग उनका चरण में, उनका शरण में रह के हम लोग भी सुंदर रूप से ये भक्ति जीवन बिताते रहे। इसके पश्चात हमारा हिजगेस प्रेम भक्त प्रभु जी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ बताएंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, प्रसाद का आज उपास है, आज प्रसाद नहीं है नौ बजे।
कुछ भी नहीं बताने पर नहीं पाया, प्रभु जी का माइक दो कुछ बताएंगे तो अच्छा है। पुष्पांजलि कितना बजे आज? जय श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, गंथराज श्रीमद भागवतम की, परम भागवत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, समत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। आज हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की आज पुष्पांजलि होगा, पुष्पांजलि भी होगा प्रेम भक्ति प्रभु। हाँ, सारे भक्त कृपा करके उपस्थित रहे 12 बज में 12 बज 12